महाराष्ट्र में चुनाव तो हो गए लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। महायुति ने बड़ी जीत तो हासिल कर ली लेकिन बात सीएम पेस पर अटकी हुई है। इन सब के बीच शिंदे अचानक गांव चले गए और दूसरी तरफ अजीत पवार ने सीएम पेस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें महायुति को 233 सीटें मिली। इतना बम्पर जनादेश मिलने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद को अंतिम रूप नहीं दिया है। 280 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 57 और 41 सीटें जीती। इस बीच अजीत पवार ने साफ किया कि सीएम भाजपा से ही होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि दो उप मुख्यमंत्री महायुति के अन्य घटकों से होंगे। अजीत पवार ने शनिवार को पुणे में मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। ये पूछे जाने पर कि राज्य का सीएम कौन होगा, पवार ने कहा कि राज्य में भाजपा से एक मुख्यमंत्री और महायुति के अन्य दो दलों से दो उप मुख्यमंत्री होंगे। संभावित रूप से शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। हमने एक मजबूत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस, जो दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछली एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, शीर्ष पद के लिए सबसे आगे हैं। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में अजीत पवार एक और उप मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख घोषित होने के बाद नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजीत पवार ने कहा कि ये पहला अवसर नहीं है जब चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार गठन में समय लग रहा है। साल 1999 में भी सरकार बनने में एक महीना लग गया था। आपको बता दें कि अजीत पवार ने 1999 में बनी कांग्रेस की सरकार का उल्लेख करते हुए ये बात कही है, जब चुनाव शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार रहते कराए गए थे। उस समय शिवसेना और भाजपा तो गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले कांग्रेस से अलग हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस इन तीनों दलों से अलग लड़कर 58 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 75 सीटें मिली थी। जानकारी आ रही है कि विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी करीब 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनसीपी से ज्यादा शिवसेना को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि कौन सा विभाग किसके पास होगा, इस पर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। वहीं मुंबई में शुक्रवार को होने वाली महायुति की अहम बैठक टाल दी गई और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए। इसके बाद उनके नाराज होने की अटकलें लगने लगी। बीच में खबर आई थी कि बीजेपी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को या तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद या फिर देवेंद्र फडणवीस के संभावित नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री की भूमिका का ऑफर दिया है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के इन ऑफरों को ठुकरा दिया है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। बहरहाल देखना ये होगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनता है। इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।